आप सबका स्वागत है। आज हम 17 जून के शुरू में पहुंच चुके हैं। रियलाइजेशन के द्वारा हम अपने आप को या तो शक्तिशाली बना सकते हैं या तो हम अपने आप को कमजोर बना सकते हैं, और आज हम इसी चीज के बारे में समझेंगे। परमपिता परमात्मा के इस मुख्य वरदान में परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। पहले रियलाइजेशन तो हो कि मैं किस प्रकार की आत्मा हूं, कितनी ताकतवर आत्मा हूं, मैं आत्मा किसका बच्चा हूं, शरीर अलग, आत्मा किसका बच्चा अलग। तो शरीर का पिता माता अलग हुए, आत्मा के माता पिता अलग हुए, गॉडफादर कहें या माता पिता कहें। तो परमात्मा कहते हैं मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अमर है, इसलिए आत्मा के ऊपर जो पुरुषार्थ करते हैं उसको पुरुष अर्थ कहते हैं, पुरुषार्थ, और आत्मा को ही पुरुष कहा जाता है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, कुछ लोग स्त्री कह देते हैं लेकिन प्रकृति है। तो आत्मा होगी पुरुष, तो पुरुषार्थ मतलब पुरुष अर्थ जो भी कर्म किया जाए, आत्मा के अर्थ जो भी कर्म किया जाए वो पुरुषार्थ है। लेकिन हम सारे कर्म अपने जीवन भर में क्या करते हैं, शरीर अर्थ ही करते हैं। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं आत्मा पर आधार है सारा का सारा मानवता का। मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या हूं, यदि यह रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो जाए। अगर हम रियलाइज कर लें कि मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या हूं मैं, मैंने कितने जन्म लिए हैं, मैं कब से इस धरती पर आई हूं, मैं कौन से धर्म की आत्मा हूं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा। अगर आप इस वरदान को डेली सुन रहे हैं तो आप आदि सनातन धर्म की आत्मा है, लेकिन इस जन्म में हो सकता है किसी और धर्म में पैदा हो गए हों। यदि यह रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो जाए। तो हमें रियलाइज हो जाए कि मैं ओरिजिनली कौन हूँ, जिसको पता लगे कि उसका ओरिजिनल घर कौन सा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है और वो कहाँ वापस लौटेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको शांति हो जाती है। लेकिन आज इंसान को यही नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, कहाँ जाना है वापस, तो अशांति होती है, उसको यही नहीं पता कि वो है कौन। परमात्मा फिर कहते हैं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं खुद भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ये तो हम मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, अल्लाह को, यहोवा को, गॉड को मानते हैं, लेकिन हम उनकी संतान हैं। अगर ये हम फील करना शुरू करें कि मैं तो भगवान की संतान हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सारी शक्तियाँ उनकी मेरे पास में, मैं परख सकता हूँ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है झूठ सत्य को, मेरे अंदर इतनी शक्ति कि मैं सबको एडजस्ट करके चला सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति मैं सबको सहयोग करके चला सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति मैं जब चाहूँ बोलूँ, जब चाहूँ मैं चुप हो जाऊँ। तो ये सारी शक्तियां और ऐसी बहुत सारी शक्तियां हम आत्मा के अंदर हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं संसार में चलने के लिए और भी साथ में रिश्ते निभाने के लिए। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। प्रैक्टिकली वो उस तरीके से बिहेव कर सकती है, वो शक्तियों के द्वारा, जैसा भी हमने बात करी, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, उसका परखने की शक्ति क्या राइट रॉन्ग है, जज करने की शक्ति, और उसका में उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उस अनुसार बोलने की शक्ति। तो ये सारी चीजें हमें परमपिता परमात्मा सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी में, ये आप भी सीख सकते हैं। ओम शांति।